कौन समधी काहे की समधी, कैसे समधी। अगर समधी समधन की बात करती हैं तो कभी अपने पति के बारे में बताएं कि उनके पति देव कौन है। ये डबरा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश राजे हैं। सुरेश यहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही राज्य कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के समधी हैं। लेकिन सुरेश राजे की भाषा सुनिए, सियासी मैदान में सुरेश राजे सीधे सीधे इमरती देवी के पारिवारिक हालात पर तंज कस रहे हैं। जुमलेबाजी छोड़े, कौन समधी काहे की समधी, कैसे समधी। अगर समधी समधन की बात करती है तो कभी अपने पति के बारे में बताएं कि उनके पति देव कौन है। इतने वर्षों से वो राजनीति में है, कभी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक आध फोटो अपने पति के साथ खिंचवाया है, कहीं कोई पति को बराबर से खड़ा किया है उन्होंने, ये भी मेरा प्रश्न है। हालांकि सुरेश राजे के इस व्यक्तिगत टिप्पणी का जवाब इमरती देवी ने बड़ी ही शालीनता से दिया है। इमरती देवी की माने तो रिश्ते नाते अपनी जगह होते हैं, जबकि सियासत अपनी जगह। इमरती देवी ने कहा कि सुरेश राजे के परिवार से उनका रिश्ता है और हमेशा रहेगा। देखो, अपनी अपनी मानसिकता है। राजनीति में अगर उनके भगत जी बड़े भाई हैं, वो उनके अगर भाई नहीं तो हमें क्या पता। वो अपने भाई से कहे कि भगत जी मेरे भाई नहीं है, लेकिन भगत जी के बेटा को मेरी भतीजी खास भी आई है, आज वो मेरे ही घर रह रही है, सबे पता है और ये पूरी समाज को पता है। और अगर वो चाहते हैं कि मेरे कोई रिश्ते ना, लेकिन मेरे रिश्ते तो हैं। और राजनीति अपनी जगह पे है, टिकट अपनी जगह पे है, लेकिन रिश्ते नाते नहीं टूटते किसी के। अगर वो अपनी तरफ से कहते हैं तो उनकी मानसिकता वो जाने। मेरे उस परिवार से रिश्ते हैं और उस परिवार की मैं समधन हूँ। और इतनी हल्की बात मैं नहीं करना चाहती कि वे मेरे कोई नहीं, मेरे नातेदार हैं, भगत जी मेरे समधी हैं और उनके वे छोटे भाई हैं। तो उसके आज आप भी गाँव में रिश्ते देखते हो, मोहल्ला पड़ोस खास चार भाई हैं तो चारों मेरे समधी हैं। और अगर वो चाहते हैं तो मैं राजनीति में ऐसी भाषा कोई नहीं बोलना चाहती हूँ, वो मेरे सम्मानीय है, मेरे समधी। आपको बता दें कि इमरती देवी 2018 के विधानसभा चुनाव में डबरा से चुनाव जीती थी। हालांकि सिंधिया के समर्थन में उन्होंने तत्कालीन कमलनाथ सरकार और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल इमरती देवी शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो डबरा से बीजेपी की भावी प्रत्याशी भी हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके रिश्ते में समधी लगने वाले सुरेश राजे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।